बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे हरे मटर और अंडे की मसालेदार सब्ज़ी। यहाँ पर हमने 500 ग्राम हरे मटर ले लिया है। चार अंडे को बॉईल करके इसको छोटे छोटे पीस पे कट कर लिया है। दो बड़े साइज़ के टमाटर की प्योरी ले ली है। दो बड़े साइज़ की हमने यहाँ पर ऑनियन को चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया कढ़ाई। हम इस पर ऐड कर देंगे दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच ऐड कर देंगे ज़ीरा, दो तेज पत्ते ऐड कर देंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे, एक से दो टुकड़े। अब हम इस पर ऐड करेंगे दो चुटकी हींग, इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस पर ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इस पर ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला, एक छोटा चम्मच भुंजा जीरा पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक एक चम्मच ऐड कर देंगे। हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पर ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी ऐड कर देंगे। अब मसालों को 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाएंगे। मसाले को हम ढककर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से हमारा पक गया है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे हरे मटर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर गलाने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसे पकाएंगे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मटर अच्छे से गल चुके हैं हमारे। इसको हम एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इस पे उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे। अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इस पे ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे मिक्स करेंगे। 1 उबाल आने तक इसे पकाएंगे बिना ढके। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। सब्जी में 1 बॉईल आ चुका है। अब हम इसको गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ऊपर से ऐड कर देंगे हम इस पर हरा धनिया। फाइनली हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। ये बहुत अच्छी बनी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह खाने में भी अच्छी बनेगी। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं, बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरे YouTube चैनल सोहा जावेद कुकिंग फूड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।